सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल ओशन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल ओशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लाए हैं सैमसंग का M20 स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग। चलिए इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। ये अमेज़न से ऑर्डर किया है। इसका बिल है। ये पूरा नहीं आ पाया है यहाँ पे। ये 11,990 का इसका MRP है। 11,990 में अमेज़न से परचेज किया गया। बाकी और कुछ है नहीं इसमें। बॉक्स है इस टाइप से दिया है। चलिए इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, देखते हैं इसमें कंटेंट क्या क्या मिलते हैं। इसका ऊपर का पॉलीथीन हटा देते हैं। यहाँ पे सील दी गई है। देखिए यहाँ पे लिखा इंडियन सिम कार्ड ओनली। बॉक्स में ऊपर की साइड हमें ये मिल जाते हैं। इसमें क्विक स्टार्ट गाइड, वारंटी कार्ड वगैरह दिए हैं। बाकी और इसमें कुछ नहीं है। ये हमारा फ़ोन है। टू एम्पियर का फास्ट चार्जर है, 15 वाट। USB टाइप सी केबल है। हेडफोन इसके अंदर दिए गए नहीं हैं और ये सिम इजेक्टर पिन दी गई है। एक इसी की बात करें कि ये लॉन्च कब हुआ था, 5 फरवरी 2019 को ऑफिशियली लॉन्च हुआ था। इसका मॉडल है गैलेक्सी M20। ये ड्यूल सिम में आता है, डेडिकेटेड स्लॉट दिए गए हैं। इसमें 2 सिम लगा सकते हैं और एक मेमोरी कार्ड भी अलग से आप लगा सकते हैं। तो दोनों ही सिम में 4G सपोर्ट करेगा वोल्टेज के साथ। फिंगरप्रिंट दिया गया है पीछे की साइड, यहाँ पर बैक में फिंगरप्रिंट सेंसर है। डिज़ाइन की बात करें तो इसमें आपको 156.4 mm की हाइट है। इसकी डायमेंशन हाइट इसकी दी गई 156.4 mm की। विड्थ की बात करें तो विड्थ इसकी है 74.5 mm। थिकनेस की बात करें तो ये है 8.8 mm। और इसका वज़न है 186 ग्राम। ये दो कलर में आता है, ओशियन ब्लू एंड चारकोल ब्लैक जो हमारे पास है। ये ओशियन ब्लू कलर है।
डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.3 इंच का 16 सेंटीमीटर का डिस्प्ले है, 6.3 कॉर्नर से टू कॉर्नर इनमें मेजर किया जाता है 6.3। स्क्रीन रेजोल्यूशन है इसमें फुल HD 1080x2340 पिक्सल्स। एक्सपेक्ट रेशो है स्क्रीन का 19.5:9 का और पिक्सल डेंसिटी इसकी है 409 PPI। स्क्रीन बॉडी रेशियो की बात करें तो 90% का इसमें क्लेम किया है बाय सैमसंग ने। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें प्रोसेसर दिया गया है, इसमें ऑक्टा कोर का 1.8 GHz का ड्यूल कोर प्रोसेसर है, 64-bit आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है। ग्राफिक्स इसमें माली का G71 दिया गया है, ये दो वेरियंट में आता है 3GB और 4GB। स्टोरेज की बात करें तो इंटरनल मेमोरी इसमें 32GB है, 32GB और 64GB दो वेरिएंट में आता है। आप इसमें एक्सपेंड कर सकते हैं मेमोरी कार्ड के थ्रू 512GB तक। OTG को सपोर्ट करता है। मेन कैमरा की बात, 13 MP प्लस 5 MP का ड्यूल प्राइमरी कैमरा है, जो कि इसका अपर्चर है f1.9 फ्लैश के साथ है, विद फ्लैश। इस जो कि इमेज रेजोल्यूशन है इसका 4128x3096 पिक्सल्स। जो कि कैमरा फीचर के साथ आता है डिजिटल जूम, ऑटो फोकस, फेस डिटेक्शन और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग फुल HD में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट कैमरे की बात करें तो ये ऊपर की साइड में यहाँ पे नॉच भी दिया गया है। फ्रंट कैमरा 8 MP का फ्रंट कैमरा है, जो कि इसका अपर्चर है f2.0। वीडियो रिकॉर्डिंग ये भी फुल HD में 30 FPS पर रिकॉर्ड करता है। इसमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि 3 गुना फास्ट चार्ज करवाने की कैपेसिबिलिटी रखती है। लायन बैटरी है सैम, ये कि आप इसका टॉक टाइम है, अगर आप इसे फुल चार्ज करने के बाद 29 आवर रेगुलर आप टॉक बात करें तो ये आपकी बैटरी 100% यूज़ होने हो सकती है। जो कि इसमें सैमसंग क्लेम करता है कि 10 मिनट आप चार्ज करेंगे तो आप 3 आवर्स का इसमें वीडियो प्लेबैक कर सकते हैं और 11 आवर का म्यूज़िक आप सुन सकते हैं ओनली 10 मिनट चार्ज करने के बाद। ड्यूअल सिम सपोर्ट है, दोनों ही सिम 4G को सपोर्ट करते हैं वोल्टी के साथ। आप सेंसर्स की बात करें तो इसमें आपका लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कंपास, गायरोस्कोप दिया गया है। अब हम फिजिकल ओर पे आ जाते हैं। ऊपर की साइड यहाँ पे फ्रंट कैमरा दिया गया है 8 MP का। नीचे की और बात करें तो यहाँ पे 3.5 mm ऑडियो जैक है, ये आप देख सकते हैं। इसमें आपको USB-C टाइप दिया गया है, जो कि चार्जिंग डाटा सिंक के लिए है। यहाँ नीचे की ओर यहाँ पे स्पीकर दिया गया है। साइड में बात करें तो नीचे यहाँ पे पावर बटन, वॉल्यूम अप डाउन के बटन दिए गए हैं। इधर सिम स्लॉट दिया गया है, जो कि दो सिम सपोर्ट करता है, एक साथ आप दो सिम लगा सकते हैं और एक मेमोरी कार्ड इसमें लगा सकते हैं। चलिए इसको सिम को निकाल के दिखा देते हैं आपको। ये देखिए इसमें नैनो सिम सपोर्ट करते हैं दो, ड्यूल सिम और प्लस अलग से इसमें मेमोरी कार्ड का ऑप्शन भी है। ठीक है, हम इसको अब बूट कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम बूट हो रहा है इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पे वाईफाई के लिए सेटअप के लिए बोल रहा है, मैं वाईफाई का पासवर्ड डाल देता हूँ। ये कनेक्ट हो गया है, नेक्स्ट करेंगे। इसमें टर्म्स एंड कंडीशन के लिए बोल रहा है एक्सेप्ट करने के लिए, हम सब एक्सेप्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करेंगे, ये अपडेट चेक कर रहा है, अगर इसका न्यू अपडेट आया होगा तो ये अपडेट हो जाएगा। अभी जो फ़िलहाल है ये ओरियो 8.1 के साथ आता है।
इसमें ईमेल के लिए पूछ रहा है, इसे स्किप कर देते हैं अभी। इसमें नाम डाल देते हैं, यहाँ पे आप चार ऑप्शन आ रहे हैं, आप फिंगरप्रिंट सेट करना चाहते हैं, पिन लगाना चाहते हैं, या पैटर्न लगाना चाहते हैं, या स्किप करने के लिए। फ़िलहाल मैं इसमें फिंगरप्रिंट सेटअप कर देता हूँ, जिससे पता चल जाएगा कितना फास्ट है। साथ में पैटर्न लगा देता हूँ। ये कह रहा है अगर आप पावर ऑन होते ही आपको पैटर्न डालना है, उसके बिना पैटर्न जब तक आप डालेंगे नहीं इसमें तब तक ये ऑन नहीं होगा। तो फिर मैं नॉट डू नॉट रिक्वायर कर देता हूँ, कंटिन्यू करेंगे। अब इसमें मैं पैटर्न को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंफर्म कर देंगे। अब ये फिंगर लगाने के लिए बोल रहा है, पीछे फिंगरप्रिंट सेंसर है। यहाँ पे फिंगर लगाएंगे, ये ट्राई हो चुका है। यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, प्रोटेक्ट योर फोन, एक्सेप्ट करेंगे। इसको फिलहाल मैं स्किप कर देता हूँ एंड फिनिश। नेक्स्ट करेंगे, कंटिन्यू। यहाँ पे मैं मेल डाल देता हूँ, नेक्स्ट, एज डाल देता हूँ। ये इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है, आप इसे इंस्टॉल कीजिए एप्लीकेशन को, हम फिलहाल इन्हें इंस्टॉल नहीं करेंगे, फिनिश कर देंगे यहाँ से। ये हमारा बूट हो चुका है। अब इसमें सेटिंग में हम देख लेते हैं कितना हमें स्टोरेज मिलता है। डिवाइस मैनेजमेंट में जाएंगे, इसमें नीचे स्टोरेज के लिए दिया है, हम देखेंगे इसमें 64 GB हमने वेरिएंट लिया है, इसमें हमें कितना अवेलेबल मिलता है। इसमें 13.8 GB सिस्टम यूज़र ने लिया हुआ है, और नेसेसरी फाइल्स हैं 5.72 MB, अवेलेबल हमें मिल जाता है 50.2 GB के आसपास। रैम बैटरी देख लेते हैं पहले इसकी, 55% हमें चार्ज की गई है, करके दी है। मेमोरी की बात करें तो इसमें अभी इसमें कोई एप्लीकेशन हमने एक्स्ट्रा इंस्टॉल नहीं की है, तो इसमें आपको 4 GB में से 1.7 GB यूज़ हुई हुई है, 1.8 GB और 2 GB के आसपास हमें यूज़ करने के लिए मिल जाती है। इसमें अबाउट में जाके देख लेते हैं, इसमें ये मॉडल नंबर वगैरह है, सिम के EMI नंबर वगैरह है, सीरियल नंबर है। सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन चेक करते हैं इसमें कौन सा हमें एंड्रॉयड वर्ज़न मिलता है। इसमें 8.1.0 का ऑडियो का अपडेट हमें मिलता है, सैमसंग एक्सपीरियंस वर्जन हमें मिलता है 9.5, बाकी इसके ये बेस बैंड वर्जन वगैरह हैं। अभी मैं इसका कैमरा चेक कर लेते हैं, हमें कैमरा कैसे मिलता है। लोकेशन टर्न ऑन कर देते हैं, हमें इसमें ब्यूटी मोड मिल जाता है, सॉरी पनोरमा मिल जाता है, प्रो मोड मिल जाता है, ब्यूटी मोड मिल जाता है, लाइव फोकस मिल जाता है, ऑटो फोकस मिल जाएगा हमें, ऑटो ये अलाउ कर देंगे। स्टिकर्स मिल जाते हैं हमें इसमें, और कंटिन्यूस शॉट का ऑप्शन मिल जाता है। चलिए हम ऑटो पे इसको करके सेट करके हम इसको पिक्चर ले लेते हैं। कैमरा सेटिंग की बात करें तो इसमें हमें ट्वेंटी टू फाइव सेवन सिक्स इंटू 1932 पिक्सल में हमें ये मिल जाती है पिक्चर, और हाई रेजोल्यूशन फुल HD
में आपको रिकॉर्डिंग करने के लिए मिल जाएगा। फ्रंट कैमरा की बात करें तो इसमें 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, जो कि इसका रेजोल्यूशन है 3264x2448 का रेजोल्यूशन है। ये भी फुल HD में रिकॉर्डिंग कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करना, और यह भी बताना कि क्यों डिसलाइक की है, ताकि हम अपने चैनल को इम्प्रूव कर सकें और आपको अच्छे अच्छे से जानकारी दे सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।